हम बातचीत कर रहे हैं जयपुर घराने की जानी मानी कथक नृत्यांगना गुरु प्रेरणा श्रीमाली जी से। कल हमने जाना उनके नृत्य की तालीम के शुरुआती दिनों के बारे में। आज और विस्तार से बात करेंगे कलाओं के अंतर संबंध पर, और उसके अलावा एक गुरु के तौर पर कौन सी चीज है जो वो हमेशा अपने शिष्य को समझाती हैं, बताती हैं कि उन्हें नहीं करना है। मुझे ये याद आता है कि मैं 99 में जब दिल्ली आया था, तो तब से तब तब आपका दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाकर डांस करना, कथक के कार्यक्रम करने की शुरुआत बहुत अच्छी खासी हो चुकी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो शुरुआत के एक दो कार्यक्रम बताइए जो भारत में हुए, और जिसके बाद आपको लगा कि हाँ, वो जो ये जो थॉट आप लगातार बार बार कह रही हैं कि मुझे तो नाचना ही है, तो वो जो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के बाद लगा हो कि नहीं, मैंने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था, और अब मुझे कहीं से कोई डाउट अगर 1-2% था भी, तो वो भी क्लियर है कि नहीं है, मुझे डांस ही करना है। देखिए, ये तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे डांस ही करना है जब मैंने अपना कोर्स खत्म कर लिया। जब मैंने कथक केंद्र में कोर्स कर रही थी, तब तक तो मेरे सामने बहुत ऑप्शंस खुले हुए थे। इतने विकल्प थे कि क्योंकि मुझे आईएएस बनना था और मुझे बहुत सारी पढ़ाई वढ़ाई करनी थी और ये सारे काम करने थे जो मैं नहीं किया। मैंने जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होके रिजल्ट आ गया और पापा मुझे लेने आ गए और हम लोग घर वापस जयपुर आ रहे थे, और मैं पापा आए नहीं थे तो मैं गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तो बैठे बैठे मुझे उस समय हॉस्टल के रूम में ये ख्याल आया। मुझे वो पूरा विजुअल अभी भी याद है कि मुझे कब एकदम स्ट्राइक किया कि मेरे को तो डांस ही करना है, मैं जयपुर जाके क्या करूंगी। सो ये थॉट तो वहां आ गया था। अब ये बात अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने डांसर बन के ठीक किया या नहीं किया, तो वो तो मुझे अभी भी संशय होता रहता मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि शुरुआत के जो आपके एक दो बड़े कार्यक्रम रहे हो, बिल्कुल इनिशियल हाँ डे, उनके बारे में कुछ हाँ याद आता हो तो बताइए। जैसे मेरा सबसे बड़ा मुझे जो मौका सबसे पहले मिला वो खजुराहो में जाने का मिला, खजुराहो समारोह में। और क्योंकि मैं 85 में सबसे पहले गई हूँ खजुराहो, और उस समय खजुराहो बहुत बड़ी चीज होती बहुत थी, बड़ी चीज थी, बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था। बहुत बड़ा समारोह होता था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उस प्रेस में उसका सारा पब्लिसिटी होती थी, और उस समय तक तो दूरदर्शन एक ही भी होता था, तो उसपे उसकी उसका प्रोग्राम बनके, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, उसका प्रोग्राम बनके और सेल बनके पूरा एक कैप्सूल आता था, तो वो उसमें आपको फीचर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे 85 में, और उस समय ये क्योंकि मैंने 84 में तो अपना 83 में मैंने कोर्स कंप्लीट किया है कथक केंद्र से, और 84 में मेरे गुरुजी की डेथ हो गई, और 85 का ये, तो 84 में गुरुजी की डेथ से पहले टेलीग्राम आया था, क्योंकि उस समय टेलीग्राम आता था, तो खजुराहो में मेरे को इनवाइट करने के लिए टेलीग्राम था और वो गुरुजी ने रिसीव किया था। और गुरुजी ने जब मेरी क्योंकि कथक केंद्र में आया था तो मैं छुट्टियों में घर पे गई हुई थी, तो मेरे गुरुजी ने रिसीव किया था और उन्होंने बहुत खुश होकर मम्मी को फोन किया, उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मम्मी को बताया और मैं कहीं घर में नहीं थी, तो मम्मी ने जब मुझे ये बात बताई कि तुम्हारे गुरुजी का फोन आया था और तुम्हें इस बार खजुराहो बुलाया गया, मैंने कहा मम्मी आप पागल हो गए क्या, आपका दिमाग ठीक है, मेरे को कौन खजुराहो बुलाएगा, सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का फोन आया था, टेलीग्राम आया है, उन्होंने कहा है अब बताऊंगा मैं कि जयपुर कैसा होता है, जयपुर का नाच कैसा होता है, ऐसा उनको खुशी हुई थी बहुत। और पर वो रहे नहीं उसके लिए, और क्योंकि उसी जुलाई में उनकी डेथ हो गई 84 में, और 85 मार्च में मैं परफॉर्मेंस के लिए गई, क्योंकि 6-7 महीने पहले से आपको इंडिकेशंस आते थे कि प्रोग्राम में जाना है। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था, और मैंने मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन सेंटर में जाके और वहाँ मैंने पूछा वहाँ के, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन सेंटर से बहुत वाकिफ रही हूँ क्योंकि पापा उसी में रहे, इसलिए तो मैंने वहाँ जाकर पूछा कि खजुराहो में इस बार कौन कलाकार हैं, तो उन्होंने जब मेरा नाम लिया उसमें लिस्ट के अंदर, तो मेरी तो धरती पैरों से खिसक गई, मैंने कहा है सच्चे, ये तो सच बात है कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो दैट वाज माय फर्स्ट
बिग एक्सपीरियंस की मुझे बेहद मतलब कहना चाहिए कि भरोसा ही नहीं हुआ था कि मुझे कैसे बुला लिया गया और मुझे क्यों बुला लिया गया, क्योंकि ये सारी बातें भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि फील्ड में चलती हैं कि भाई सब जगह आपको कहीं अप्रोच से बुलाया जाता है, कहीं आपको कोई सिफारिश से बुलाया जाता है, तो मैं तो किसी को जानती ही नहीं थी। और इसलिए मैं मुझे जब बुला लिया गया तो मैं हैरान परेशान थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर, और मुझे मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। तो एक क्योंकि उसी साल उन्होंने युवा कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया था खजुराहो में, और उसमें मुझे जाने का मौका मिला था। फिर तो मैं 87 में भी गई, फिर मैं 90 में भी गई, फिर मैं 2000 में गई, और उसके बाद से कभी नहीं गई। तो ये मेरा पहला बड़ा परफॉर्मेंस था, और मुझे वहां करके अचानक आपको लगा कि आप तो स्टार हो गए। क्योंकि दूसरे दिन जब वो खजुराहो के मंदिरों के उसमें बैकग्राउंड में जब आपकी फोटोग्राफी वगैरह होती है और पूरा इंटरनेशनल प्रेस होता है आपके सामने, तो सडनली आपको लगता है कि आपने कुछ सार्थक किया है। सो वो मुझे आपने भी कहा कि आईएएस बनना था, एक चीज आप भूल गई, आपको तो कवि भी बनना था। नहीं कवि देखिए कवि तो क्या मतलब, वो तो आप बन सकते हैं वैसे भी, और बन तो जाना चाहिए था मुझे कायदे से। सबसे पहले तो वही था कि कवि होना था, और शायद मैंने आपसे कभी शेयर भी किया होगा कि मैं जाके और छत पे बैठ जाती थी शाम को, तो मुझे लगता था कविता आएगी अंदर। मेरी आपने बेवकूफियां शुरू में पूछी हैं, उसमें एक ये भी थी कि मैं ऊपर जाके छत पे शाम को बैठती थी और मुझे लगता था आज तो मतलब कोई ना कोई कविता मेरे अंदर जरूर आ जाएगी। तो वो और ऐसा नहीं है, कुछ लिखने की कोशिशें भी करती रही हूँ मैं, पर वो शायद सभी करते हैं, कोई बड़ी खास बात नहीं है। तो कविता थोड़ी समझ में आई तो लगा कि बेकार है छोड़ो। तो कवि होना था, वकील भी होना था, और आईएएस भी होना था, और कुछ नहीं होके मैं नृत्यांगना बन गई। शायद वही सबसे बेहतर मतलब कथक के लिए कहा जा सकता है कि वही सबसे बेहतर हुआ। नहीं कथक के लिए मुझे नहीं पता, ये तो बड़ी बात है, पर मेरे अपने लिए लगा मुझे कि क्योंकि नृत्य नहीं करती मैं तो शायद मेरा जीने का तरीका ये नहीं होता, और मैं जीवन को उस तरह नहीं देखती जिस तरह मैं अब देख पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कलाएं आपने कविता का जिक्र किया, और चूंकि जो आपके तमाम सारे कार्यक्रम हैं उनमें से कुछ के बारे में अगर मैं बात करूं तो कलाओं के अंतर संबंध जो है, पेंटिंग हो, कविता हो, और उसके साथ साथ कथक हो, उसकी जो सबसे अच्छी समझ रखने वाले या जो बहुत मेच्योर समझ रखने वाले कलाकार हैं उनमें आपकी गिनती होती है, थिंकिंग आर्टिस्ट कह लीजिए, या कह लीजिए कि एक ऐसा कलाकार जो इन चीजों को इक्वली समझता है, कविता को भी बहुत अच्छी तरह समझता है, पेंटिंग को भी समझता है, और कथक तो खैर उसका डोमेन है ही। इन अंतर संबंधों के बारे में बताइए, और क्या इससे एक दूसरे की चीजों को समझना आसान हो जाता है और ज्यादा लुत्फ आता है समझना, यानी अगर आपको अच्छी कविता मिल जाए तो क्या पेंटिंग और अच्छी हो सकती है या नृत्य और अच्छा हो सकता है, कैसे हैं ये अंतर संबंध आपके हिसाब से? कहते हैं ना कि कभी कोई भी कला अकेले तो चलती ही नहीं है, चाहे वो किसी की दूसरे की छाया लेकर चलती है, और किसी एक कला को आप जब तक दूसरी कला का आधार आपके पास नहीं हो आप नहीं समझ सकते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट सूझा था, मुझे एक कहीं कुछ वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया था, तो मैंने ये आर्गुमेंट, तभी ये कलाओं के अंतर संबंध की बात थी, तो मुझे एक अच्छा आर्गुमेंट अपने तई ये सूझा था कि आप जब किसी एक कला की तारीफ करते हैं तो आप हमेशा दूसरी कला के माध्यम से करते हैं, आप कभी भी ऐसा नहीं कहते कि जैसे वो तुलसी ने कहा ना कि राम को राम की तरह ही देखना पड़ेगा, वो नहीं है। नृत्य को आप शिल्प की तरह देखते हैं, या आप नृत्य में संगीत देखते हैं, या संगीत में नृत्य दिखाई देता है, या आपको शिल्प में नृत्य दिखता है, और आप जब तारीफ करते हैं तो लयात्मकता आपको
शिल्प में नजर आती है, जो कि एक पूरा स्थूल चीज है, एक पत्थर है, उसमें आपको लगता है कि लयात्मकता है, तो वो लय कहाँ से आती है? या आपको नृत्य में कविता दिखाई देने लग जाती है, या कविता में आपको नृत्य दिखता है, या संगीत सुनते हैं, आलाप सुनते हैं, और कोई चित्र उभरते हैं आपके मानस में, तो ये और अंततः मतलब मुझे लगता है अल्टीमेटली मैं इसीलिए शायद कवि होना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है जो अल्टीमेट रचनात्मकता है वो काव्य में है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए वो काव्य जो है वो कवितात्मकता, या कविता कहना चाहिए, तो वो कविता एक तरह का मेटाफर बन जाती है। आप जब किसी चीज को बहुत अच्छा कहना चाहते हैं तो आप पोएटिक कहते हैं, कि व्हाट अ पोएटिक रेंडिशन, क्या काव्यात्मक चीज की है। तो वो वहां पे काव्य से मतलब काव्य नहीं है, वहां पे उसकी बहुत ही उत्कृष्ट रचनात्मकता है शायद। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी जो जैसे अगर मैं पेंटिंग नहीं देखना, मेरा मन नहीं होता उनको देखने का, या मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बहुत सारी ऐसे मुद्राएं या ऐसी स्थितियां जो मेरे नृत्य में उभरी वो नहीं उभरती। मैंने कितनी सारे, चाहे वो मिनिएचर्स हैं, चाहे वो बड़े कैनवस हैं, मैंने बहुत सारी चीजें यूं की हो नृत्य में मुझे, क्योंकि जब आप ये सब देखते हैं, तो जब आप अपने माध्यम में काम करते हैं, तो अचानक वो फ्लैश की तरह आपके सामने आने लगती। मतलब मैं एक ठुमरी की, मैं एकदम आपको बताती हूँ कि मैं एक ठुमरी की को कुछ कोरियोग्राफ कर रही थी अपने ही लिए, और उसके शब्दों और सबको संगीत में सडनली मैंने एक पोज बनाया, और मुझे ध्यान आया, मैंने कहा अरे ये तो मैंने एक पेंटिंग देखी थी ऐसी। तो ये जो बात है कि आपको वो चीज सूझने लग जाती है, या अगर आपने कोई कविता सुनी है, एक कविता में ये है कि मुझे एग्जैक्टली शब्द नहीं मालूम, पर उसमें कुछ ऐसा ध्वनित होता है कि फूल की जो हरी पत्ती है, उस पत्ती की नोक पे जो उसकी बूंद गिरती है, उससे लगता है सवेरा हुआ। तो उस नोक पे जो जो तो ये जो इतनी बारीकी है कि आपको वो ओस की बूंद और पत्ती की नोक पे गिरी हुई उसकी बूंद की जो थपक है, उससे आपका सवेरा होता है, तो ये जो बारीकी है, ये बारीकी फिर आपको काव्य से ही तो आप ला पाते हैं कहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो या जैसे मैंने रजा साहब की पेंटिंग्स के साथ काम किया, तो समझ में आने लगा कि अमूर्त क्या होता है, और अमूर्त बहुत ही कम मतलब एक तरह का बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, कि नृत्य की तो देह है पूरी, जो बॉडी है आपकी, सो उस बॉडी बॉडी अपने आप में बड़ी इमेज है, और उससे आप एक अमूर्त पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। सो उनकी पेंटिंग देखी तो भी, और उनके साथ जब काम करने लगी, तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट मैं बना पाई, जो शायद अगर वो पेंटिंग के साथ काम नहीं करती तो नहीं होते मेरे नाच में। तो ये जो आपसी तालमेल है, और मुझे लगता है अगर ये नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि कथक में खास तौर से, बल्कि हर नृत्य में ही होता है कि जब आप किसी काव्य पे काम करते हैं, तो केवल नृत्य समझ लेने से काव्य पे काम नहीं होता है, कविता भी पूरी तरह समझना पड़ेगा आपको। कविता को कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से पकड़ना है, किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से उसे अनुवाद, क्योंकि खाली आपको मुद्रा में अनुवाद नहीं करना है कि फूल है तो फूल कह दिया, या हरिन है तो ऐसे कह दिया, या नैन है तो नैन बता दिया, पर इन सबको मिला के क्या बन रहा है, किस तरह से आप उस कविता में नए अर्थ खोज पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप अपने माध्यम से किसी कविता में या किसी भी संदर्भ में कोई भी चीज अगर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या साहित्य को ले रहे हैं, या पेंटिंग को ले रहे हैं, तो उसको अगर आपके नृत्य से कोई नया अर्थ मिलता है तो सार्थकता बनती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये अंतर संबंध के बिना मुझे नृत्य अधूरा लगता है। तो मैं तो इसे बिल्कुल इसी तरह देखती हूँ कि इसके बिना, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहती हूँ कि उनको, और वो जाते भी हैं कि एग्जीबिशंस भी देखना है, तो उनको संगीत भी सुनना है, तो उनके दूसरे फॉर्म्स भी देखने हैं, और उनको कविता पढ़नी है, जो कि बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए कई बार, क्योंकि
क्योंकि हमारा आज का पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत अलग हो गया है, और खासतौर से अगर मैं हिंदी काव्य की बात करती हूँ तो बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज की पढ़ाई जिस तरह होती है, पर इसके बिना वो अधूरा है, ये तय बात है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।